जय माता की। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 सितंबर 2022 से शारदीय नवरात्रा शुरू हैं और 26 सितंबर को पहला नवरात्रा है और इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं, कोई बुरा साया है, उनका अंत हो जाता है और आपका जीवन पूरी तरह सुख में हो जाता है। इसलिए शुभ मुहूर्त क्या है जानेंगे पंचांग के अनुसार। साथ में उससे सबसे पहले जान लेते हैं कि अशुभ मुहूर्त के बारे में। इस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अशुभ मुहूर्त यानी कि राहुकाल का जो समय है वो सुबह ही शुरू हो रहा है, ऐसे में लोग अक्सर गलती करेंगे, इसलिए सावधान रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। राहु काल का समय 7:42 से शुरू हो रहा है। 26 सितंबर को सुबह 7:42 से लेकर 9:12 तक ये राहु काल का समय है। या यूँ कहें 8 से लेकर 9 बजे के मध्य करीब आपको 1.25 घंटे इंतज़ार करना होगा। या तो आप इससे पहले कलश स्थापना कर लें या फिर इस समय के बाद कलश स्थापना करें, इसका आप खासा ध्यान रखें। आप जान लेते हैं कलश स्थापना का अब की बार शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं, एक शुभ मुहूर्त एक अभिजीत मुहूर्त। घट स्थापना या कलश स्थापना का जो सुबह का शुभ मुहूर्त है वो 6:17 से शुरू हो रहा है और जो कि 7:55 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप कलश स्थापना करें, माँ की पूजा अर्चना करें, आप पर माँ का असीम कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन पूरी तरह सुखमय हो जाएगा, जीवन में आने वाले सभी कष्टों का अंत जरूर होगा। यहाँ पर अपन ये समय जान सकते हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर और 8 बजे के मध्य आप कलश स्थापना करें। और आप जानते हैं और राहु काल का जो समय है उस समय में, या यूँ कहें अपन 8 बजे से लेकर 9 बजे के मध्य राहु काल का समय है, इसलिए आप सुबह 6 बजे से 8 बजे के मध्य ही कलश स्थापना जरूर कर लें। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करें। अभिजीत जो मुहूर्त है वो दोपहर 11:54 से शुरू होगा और जो कि 12:42 तक रहेगा, यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना करें तो आपके संपूर्ण कष्टों का अंत होगा, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, माता का कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़े, कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। माता की कृपा से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और खासकर ध्यान रखें अशुभ मुहूर्त का, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर जो 9 बजे के मध्य है, या फिर राहुकाल जो समय है जो 7:41 से शुरू होगा और 9:11 तक रहेगा।